हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सेल की विंडो ओपन कर रखी है मैंने, और इस विंडो के अंदर आपको एक डिजिटल क्लॉक यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यही डिजिटल क्लॉक मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बनाई जाती है एक्सेल में। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक सेल हम थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं जिसमें हमें अपना डेट जो है प्रिंट करना है। तो मैंने एक सेल बना लिया। अब आप यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है नाउ। नाउ का जो फंक्शन है वो आज की डेट और अभी का टाइम आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे, जितना बड़ा साइज आपको लग रहा है उसके अंदर टाइम में दिखा सकते हैं आप। इसको हम मिडिल सेंटर अलाइनमेंट में रखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपका ये जो यहाँ पे टाइम आ रहा है वो डेट के साथ आ रहा है, यानी कि डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये करना है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ टाइम प्रिंट करना है, डेट प्रिंट नहीं करनी है। तो कंट्रोल वन प्रेस करेंगे फॉर्मेट सेल, या आप यहाँ सेल पे राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा ये टाइम का ऑप्शन, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं नंबर में आपको मिलेगा ये टाइम का ऑप्शन, और यहाँ पे मल्टीपल टाइप के टाइम्स यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको 24 आवर्स का टाइम दिखाना है क्लॉक में तब ये फॉर्मेट जो है चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 24 आवर्स का नहीं दिखाना है, 12 आवर के अकॉर्डिंग दिखाना है, तो आप ये फॉर्मेट भी इसका चूज कर सकते हो, 1:30 PM। तो यहाँ से मैं ये वाला फॉर्मेट ऊपर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट आ चुका है। तो अब करना ये है हमें कि ये जो टाइम आ रहा है ये स्टिल अभी एज इट इज आपको नजर आ रहा है, और दोबारा अगर मैं फॉर्मूला पुट करूंगी तो ही ये टाइम डेट जो आवर्स हैं, जो मिनट और सेकंड्स हैं, उनको चेंज करेगा। तो मुझे करना ये कि जो मेरा ये जो टाइम है वो मोशन में चेंज होता रहे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अपने टेक्स्ट की। तो यहाँ से जो आप शेडिंग वगैरह डालना चाहें क्लॉक के अंदर वो शेडिंग डाल सकते हैं, फॉन्ट में जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं आप। ये जो फॉन्ट आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल फॉन्ट है जो कि कैलिबरी डिफॉल्ट आ रहा है। आपको यहाँ पे एक फॉन्ट जो है चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको वहां से जाना है और सर्च करना है गूगल पे जाके डिजिटल क्लॉक फॉन्ट। पहला लिंक आएगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे और मल्टीपल फॉन्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप कौन सा फॉन्ट डिजिटल क्लॉक में अपना दिखाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फॉन्ट को डाउनलोड कर लें। तो बेसिकली मैंने ये फॉन्ट डाउनलोड कर लिया था। तो वो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फोल्डर्स में। तो मैंने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है, और आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि जो फॉन्ट मैंने यहाँ डाउनलोड किया है वो फॉन्ट मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आपको राइट क्लिक करके इस फॉन्ट को इंस्टॉल भी करना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सेल में ही वो फॉन्ट जो है दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए वापस से हम एक्सेल में आ जाते हैं और अब चेक करते हैं हमारा फॉन्ट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डेट पे टाइम पे, जहाँ कैलिबरी लिखा है वहां पर आपको फॉन्ट लेना है जो फॉन्ट अभी आप डाउनलोड करके आए हैं। तो मैंने जो फॉन्ट डाउनलोड किया वो था टेक्नोलॉजी फॉन्ट मैंने सेट किया, और आप देख सकते हैं टाइम का जो व्यू है यहाँ पर जो है आ चुका है। तो आप इसके हिसाब से भी चेंजेस जो है कर सकते हो। तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो इतना काम हो चुका है हमारा। अब करना ये है कि ये क्लॉक मोशन में नहीं है, हमें इस क्लॉक का जो टाइम है उसको मोशन में करना है। तो इसके लिए आपको विजुअल बेसिक कमांड्स लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब ओपन नहीं है तो आप जाएंगे फाइल में, ऑप्शंस मिलेगा। ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एडवांस होता है, यहाँ पे आपको बड़े सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन्हीं ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज रिबन्स के ऑप्शन में, यहाँ रिबन कस्टमाइजेशन के अंदर डेवलपर टैब जो है आपको मिल जाएगा। सारे ऑप्शन आपको एक्टिवेट रखने हैं और यहाँ से ओके करना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली डेवलपर टैब ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से विजुअल बेसिक के कमांड पे जाके क्लिक करना है। तो
यहाँ पे हम स्क्रिप्ट जो है विजुअल बेसिक की टाइप करेंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया विजुअल बेसिक के ऑप्शन पे। अब इस विंडो के अंदर आपको आना है, ये जो इंसर्ट का मेन्यू आप देख रहे हैं यहाँ, यहाँ आपको मिलेगा मॉड्यूल। तो आपको मॉड्यूल पे क्लिक करना है, तो ये बुक वन का जो मॉड्यूल कोड है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कोड टाइप करना है, तो वो कोड बाय डिफॉल्ट आप टाइप करेंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक तरीके से वेरिएबल या कीवर्ड आप मान लीजिए ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं अपना जो भी प्रोग्राम यहाँ पे बना रही हूँ वो मेरा डिजिटल क्लॉक है, तो मैंने डिजिटल क्लॉक के नाम से ही इसको रिफाइन कर दिया इस तरीके से। नेक्स्ट अब आपको लिखना है कुछ पर्टिकुलर कोड, और ये विजुअल बेसिक कोड जो होते हैं इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा इसे। फिलहाल आप डायरेक्टली जैसा मैं कोड यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ बिल्कुल वैसा कोड आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला वैल्यू, फिर यहाँ पे आप लिखोगे नाउ, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अब आपको लिखना है एप्लीकेशन, ये लिखा एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम, ये आपको यहाँ से पिक करना है ऑन टाइम, स्पेस दे के लिखना है नाउ, यहाँ पे प्लस करना है टाइम वैल्यू, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन करा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आपको टाइम लिखना है जो कि एक तरीके से एज स्ट्रिंग लिखना है जो कैरेक्टर वैल्यू होती है। तो ये जो 00 मैंने लगाई है आर्ट्स के लिए, फिर ये जो 00 मैंने लगाया है वो मिनट्स के लिए, फिर ये जो 0 मैंने लगाया है वो मैंने सेकंड के लिए। तो एक सेकंड तो स्टार्ट होगा ही होगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड इसको करेंगे कॉमा। अब आपको सेम अपना जो डिजिटल क्लॉक ये वर्ड आपने दिया था, ये डिजिटल क्लॉक वाला वर्ड आपको यहाँ पर दोबारा से मेंशन करके चलना है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करनी है। इस तरीके से आपको पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप करनी है। स्क्रिप्ट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक रन का बटन दिया गया होगा, आप इस पर्टिकुलर रन बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारी स्क्रिप्ट गलत है तो ये आपको एरर शो कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं हमने जो वहां टाइम सेट किया था जो कि फिक्स था स्टिल था, लेकिन अब ये टाइम जो है आपका मोशन में आ चुका है, और ये ऑटोमेटिकली जो हमारा 12 आवर्स के अकॉर्डिंग जो टाइम है उस हिसाब से ये चेंजेस आपको दिखाता रहेगा एंड दिखाता रहेगा। ठीक है, और भी अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कोई भी चेंज करना चाहते हैं इसके अंदर, जो भी आपको लग रहा है चेंजेस आपको करने हैं, तो वो चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक अट्रैक्टिव डिजाइन आप इसका बना सकते हैं, एंड अगर और साइज इंक्रीज करना है तो और साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज मुझे करना होगा तभी आपको पूरा टाइम जो है दिखाएगा। अब इस फाइल को सेव करना भी डायरेक्टली हम सेव नहीं करते हैं, अब आपको फाइल में जाना है। मैंने सेव एज उठाया, मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल सेव कर रही हूँ। अपनी फाइल का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए, डिजिटल क्लॉक मैंने इसका नाम दे दिया, और यहाँ पे नाम देने के बाद नीचे सेव एज टाइप में आना है, और यहाँ से लेना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। या आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में फाइल को सेव करना है, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया है सेव। तो ये अभी भी स्टिल मोशन में ही आपकी क्लॉक चल रही है। अब मान लीजिए इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा इस फाइल को अगर ओपन करती हूँ, तो ओपन करने पर क्या ये फाइल मुझे वापस से वही टाइम शो करेगी? तो मैंने अपनी फाइल को जो है दोबारा से ओपन कर लिया है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। और आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है, मैक्रो हैज बीन डिसेबल। आपको देख सकते हैं आपकी जो क्लॉक है वो स्टिल हो गई है, अभी मोशन में नहीं है। तो आप इस बटन पे इनेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे। इनेबल कंटेंट पे क्लिक करने के बाद भी अगर आपका क्लॉक ऑटोमेटिक रन नहीं होता है, तो आप डेवलपर टैब में जाएंगे और मैक्रो का जो हमारा विजुअल बेसिक है वो ओपन करेंगे, या आप यहाँ पर ऑल्ट एफ 11 की जो है आप प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट एफ 11 की प्रेस करने के बाद हमारी जो स्क्रिप्ट थी इसमें वापस से यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करना है, क्लोज करना है, तो आपकी जो क्लॉक है वापस से मोशन में आपको दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से एक अट्रैक्टिव सा डिजिटल क्लॉक एक्सेल के अंदर आप बना सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को
लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो के थ्रू जो हमारे डिजिटल क्लॉक है ये जरूर आप एक बार बना कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।